जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और एक खुशखबरी लेके आया हूँ, मैं जल्द ही हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें आपको हिंदी लिटरेचर की सिलेबस को, चूँकि मैं खुद भी तैयार कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यदि आपकी कुछ हेल्प हो सकती है उसके माध्यम से। तो यदि आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है UPSC में, तो उसका सिलेबस मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ जो कहानियाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे, उससे क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या आ सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे उस प्लेलिस्ट में कवर कर देंगे। तो हिंदी लिटरेचर नाम से मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप उसमें आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, जहां आपको क्रम से पूरा हिंदी लिटरेचर का सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा, जिसमें हम कहानी खंड से स्टार्ट करके ना केवल UPSC का बल्कि UPPCS और जो BPSC में हिंदी लिटरेचर का सिलेबस है वो सारा सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम पेपर 2 से और पेपर 1 को मिक्सअप करके पढ़ेंगे, क्योंकि कहानियाँ, उपन्यास जो भी हैं, महाभोज रेणु जी का, मन्नू भंडारी सॉरी, रेणु जी का नहीं, जो भी कहानियाँ हैं, जो भी उपन्यास हैं, निबंध हैं, जो भी समीक्षाएं हैं, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लगातार कहानियों को पढ़ेंगे। तो कहानी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रेमचंद जी की कहानियों पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं लगातार। UPSC के आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो प्रेमचंद की कहानियों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही है, और उनके उपन्यास जो गोदान, जो उनका उपन्यास है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला वीडियो सिलेबस के ऊपर होगा, दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें प्रेमचंद जी की लाइफ स्टोरी को जानेंगे, और उनकी लाइफ स्टोरी का उनके जीवन जो भी रचनाएं की हैं उस पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि उनकी माता जी 8 साल की एज में ख़त्म हो गई थी। तो ज़्यादातर उनकी जो कहानियाँ हैं वह कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं सामाजिकता से, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनसे। तो चूंकि वह खुद परेशानियों को झेल करके आगे आए व्यक्ति हैं, तो सभी जो परेशानियां हैं वो उन्होंने कविताओं, सॉरी, अपनी कहानियों और उपन्यास गोदान यदि आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि वह पूरा इसी पर आधारित है। यदि आप हमारे जो अर्लियर हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, 1936 के आसपास की हिस्ट्री को अगर जानना चाहते हैं, और यदि आपने प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ लिया, प्रेमचंद का गोदान पढ़ लिया, कहानियाँ छोड़ दीजिए, तो आप उस टाइम का पूरा व्यू समझ जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें थी। और हरिशंकर परसाई जी के कई सारे व्यंग हैं, जैसे भोला राम का जीव, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अफसरशाही या रिश्वतखोरी हावी है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार इस कोर्स में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हिंदी लिटरेचर का हम कंटेंट शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा हम UPSC के और टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आप आसानी से फ्री एक्सेस पाएंगे, और हम लगातार सिलेबस को कवर करेंगे, पूरा UPSC सिलेबस। मेरा ड्रीम है कि मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूं, जिससे मेरी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको भी अगर मदद हो सकती है तो आप मदद ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी लिटरेचर के सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच।